हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथालपुरना एरिया से, जब संथालपुरना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथालपुरना में 36% था, और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है। 10% आदिवासी कहां गायब हो गए, कहां खो गए, इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहां सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है, जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है, हमारे यहां जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहां 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहां अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहां सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहां 123%, जय, मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई, और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123% 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहां अभी पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं, और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है, और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज, और ये झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वहाँ भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथालपुरना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए, और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए, और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एक्सपर्ट को रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा, जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235 भी 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें,
Kestomat, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार. नई सोच, नया घर. बनाए रखिए अपना प्यार. सेवा में है वास्तु विहार.